नमस्कार दोस्तों, बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। स्किन से जुड़ी कई समस्याएं जैसे एलर्जी, रैशेज, खुजली दार त्वचा, त्वचा छिलना, दाद आदि का सामना अक्सर लोगों को करना पड़ता है। त्वचा में होने वाली समस्याओं को चर्म रोग कहते हैं, यानी स्किन डिसीजेज। चर्म रोग में त्वचा से जुड़ी लगभग समस्याएं शामिल हैं। हम सभी ने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी त्वचा संबंधी समस्या का सामना जरूर किया होगा। हालांकि डॉक्टर द्वारा इनका सफल इलाज संभव होता है, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि त्वचा के रोग या चर्म रोग क्यों होता है? आइए जानते हैं इसका कारण। स्किन स्पेशलिस्ट का मानना है कि स्किन की कुछ स्थितियां अनुवांशिक होती हैं, यानी अगर आपके घर में किसी को पहले से स्किन रोग है तो आपको भी हो सकता है, जबकि कुछ जीवन शैली कारकों और आपकी खराब आदतों के कारण पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा चर्म रोग के लिए कुछ अंतर्निहित मेडिकल कंडीशन जिम्मेदार हो सकती हैं। यहाँ इसके कुछ आम कारण बताए गए हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन, त्वचा के रोम छिद्रों में फंसे बैक्टीरिया, थायराइड, किडनी या इम्यूनिटी से जुड़ी कुछ स्थितियाँ, कुछ पर्यावरणीय कारक या पहले से किसी एलर्जी वाले व्यक्ति के संपर्क में आना, कुछ दवाएं जिनमें IBS के लिए दी जाने वाली दवाएं शामिल हैं, किसी तरह का वायरस, डायबिटीज रोग, सूर्य के संपर्क में ज्यादा समय बिताना या धूप के कारण, खराब खान पान जिसमें ज्यादा तला भुना मसालेदार जंक और प्रोसेस फूड शामिल है, शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स, गंदगी और हानिकारक कण, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीना, रक्त में अशुद्धि, शराब और स्मोकिंग जैसी आदतें, तो ये सभी चर्म रोग के कारण होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।